नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर के विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा एक कैशलेस अस्पताल बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे सरनाइक साहब, किस तरह का अस्पताल है और मीरा भाईंदर शहरवासियों को किस तरह का फायदा होगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब और साथ ही में मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका आयुक्त श्री संजय काटकर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि पिछले कई सालों से मेरी ये कोशिश थी कि मीरा भाईंदर शहर में एक कैशलेस अस्पताल किया जाएगा। ठाणे शहर में किशन नगर विभाग में गंगूबाई संभाजी शिंदे नाम का एक कैशलेस अस्पताल है, जिसकी सुविधा 2-3 सालों से लोगों को मिल रही है, बहुत ही सक्सेस वो योजना हो गई है। उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर में भी एक अस्पताल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निधि की अनुमति मांगी। तो जो अस्पताल है वो लता मंगेशकर नाट्यगृह के पीछे आरोग्य केंद्र का जो रिजर्वेशन है उस पर कंस्ट्रक्शन TDR के माध्यम से बनाया जा रही है वो इमारत, और उस इमारती में ये हॉस्पिटल होगा। और यहाँ पे 100 बेड के हॉस्पिटल में दवाइयाँ तो मुफ्त मिलेगी, मगर कैंसर रिलेटेड सभी उपचार, हार्ट रिलेटेड सभी उपचार, हड्डी के कुछ भी उपचार हो या जो लेडीज़ लोगों के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके उपचार हो, सभी उपचार मुफ्त में कराए जाएंगे। ये अस्पताल करने की मेरी बहुत सालों से जो इच्छा थी, इच्छा माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी ने सैंक्शन कर दी, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और 23 जनवरी को हिंदू हृदय सम्राट बाला ठाकरे जी का जन्मदिन है, उसी जन्मदिन के अवसर पर हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। काम बहुत जल्द गति से हो रहा है और मीरा भाईंदर शहर के हर उस नागरिक जिसके पास येलो रेशन कार्ड और ऑरेंज रेशन कार्ड होगा वो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाएंगे। उसे किसी भी तरह का इंश्योरेंस पॉलिसी की वगैरह जरूर नहीं पड़ेगी। महात्मा फुले जन आरोग्य सेवा के अंतर्गत राज्य शासन की जो योजना है उस योजना के अंतर्गत वो सैंक्शन किया जाएगा और हमारे सभी लोगों को, गरीब लोगों को उपचार वहाँ पर मुफ्त में दिया जाएगा। मीरा भाईंदर शहर का पहला अस्पताल होगा ये? मीरा भाईंदर शहर का ही पहला नहीं बल्कि महाराष्ट्र का ये दूसरा अस्पताल है। पहला अस्पताल ठाणा में हो गया, दूसरा मीरा भाईंदर शहर में हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कामना है कि आरोग्य यानी जो भी सुविधा है उसको रिलेटेड राज्य में हर जगह पे ये अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए और उस माध्यम से हमारी सरकार कोशिश कर रही है। उसके लिए देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार भी उनको साथ दे रहे हैं। तो हम ये आरोग्य सेवा से निगड़ित और भी जो चीज़ें होगी वो राज्य में करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। हम इमारत रेडी होगी है, ये मेडिकल इक्विपमेंट जो लगे उसके टेंडर हो गए हैं, जिसको चलाने देना है उसके टेंडर हो गए, उनको भी वर्क ऑर्डर दी गई है, सभी फाइनल हो गया। 10 जनवरी तक ये अस्पताल सुविधाएं के लिए योग्य होगा और 23 जनवरी को मुख्यमंत्री जी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो 24 जनवरी से तुरंत ये लोगों के लिए खुला किया जाएगा ताकि लोग उसका सेवा ले सके। मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र सरकारी अस्पताल है पंडित भीमसेन जोशी, काफ़ी असुविधा हो रही है मरीजों को, पगार भी नहीं मिल रहे वहाँ के कर्मचारियों को। आप मीरा भाईंदर शहर के विधायक है, क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा पा रहा है उस अस्पताल पर? देखिए, ये हकीकत है कि टेबा हॉस्पिटल में जिस तरह से राज्य के आरोग्य डिपार्टमेंट ने ध्यान देना चाहिए उतनी ध्यान नहीं दे रहे, मगर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो असुविधा लोगों को हो वो ना हो और लोगों को सुविधा मिले। कुछ चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है वो यहीं पे हो रही है, आपकी बात ये 100% सही है, मगर इसीलिए हमें पैरेलल हॉस्पिटल का निर्माण करें ताकि टेंबा अस्पताल में अगर किसी को सुविधा नहीं मिलती है तो ये इंदिराबाई बाबूराव सरनाइक अस्पताल में लोगों को सुविधा मिलेगी। सम्माननीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे सर, इस क्षेत्र के विधायक सम्माननीय प्रताप रावजी सरनाइक साहब, इनके सहयोग से महापालिका कैशलेस हॉस्पिटल जनता की सेवा में 23 जनवरी से लाएगी, लोकार्पण होगा उसका। इस अस्पताल में जो 3 बड़ी चीज़ें थी उसमें से अकोमोडेशन रिजर्वेशन के माध्यम से हमें बिल्डिंग मिली है, अंदर की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निधि दिया है, इसके लिए सम्माननीय सरनाइक साहब ने पूरी कोशिश की है। और तीसरी चीज़ है कि जो हॉस्पिटल का संचालन करना है उस संचालन के लिए हमने एक एजेंसी अपॉइंट की है और उस एजेंसी को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का उसको जोड़ दी है। जो भी पेशेंट आएगा जो पीला या केसरी रेशन कार्ड धारक हो उसको आते वक्त ये कॉन्फिडेंस हो
यहाँ पर उसे कुछ पैसा नहीं लगने वाला है। ये नाम में ही हमने इस चीज़ को कैप्चर किया है ताकि ये कॉन्फिडेंस मरीजों के और उसके रिश्तेदार के दिमाग में बना रहे। और ये सुविधा मुझे लगता है कि थाना के बाद हमारे यहाँ मेरा बांधर में शुरू हो रही है। थाना में जो पायलट किया गया था ये पायलट सक्सेसफुल हुआ है और ये मेरा बांधर में सक्सेस करने की हमारी पूरी कोशिश है और उस कोशिश में हमें आपका भी सहयोग लगेगा। मैं इस कैशलेस हॉस्पिटल के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सर, सम्माननीय इधर विधायक श्री सरनाइक साहब, इन सबका दिल से शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि ये सुविधा लोक हित में, लोक लाभ में रहेगी। थैंक यू। 23 जनवरी को मीरा भाईंदर शहर का एकमात्र अस्पताल कैशलेस होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों होगा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, में अजीम तांबोली, भाईंदर।